नमस्कार दोस्तों, क्रिसमस जल्द ही आ रहा है और क्रिसमस पे कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही बड़े बड़े गिफ्ट। आप लोग खुश मत होइए, लेकिन आपके लिए गिफ्ट नहीं है, हमारे नेता लोग हैं ना, उनके लिए बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप बोलोगे क्या गिफ्ट मिल रहे हैं, इन्हें क्लीन चिट मिल रही है, क्लीन चिट पे क्लीन चिट, क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिल रही है। कुछ दिन पहले की अभी खबरें सुनाता हूं मैं आपको। 2G स्कैम तो आपने सुना ही होगा, ए राजा को क्लीन चिट मिल गई है कोर्ट की तरफ से कि 2G स्कैम या तो हुआ ही नहीं था या ए राजा गिल्टी नहीं थे 2G स्कैम में, ये हो गया। और चांस की बात देखो कि हमारे प्रधान सेवक जी एक महीने पहले डीएमके के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, दिखाता हूं। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री डीएमके के प्रेसिडेंट से मिले थे 7 नवंबर को। और बात है, बस चांस की बात है कि एक महीने बाद ए राजा को क्लीन चिट मिल गई कोर्ट की तरफ से। ये तो था 2G स्कैम। इसके बाद है एक आदर्श स्कैम, जिसमें कि गिल्टी थे, केस चल रहा था अशोक चव्हाण के ऊपर, जो कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम है, कांग्रेस के एक्स सीएम थे। आदर्श स्कैम पे केस चल रहा था उनके ऊपर और कल ही जजमेंट दी है कोर्ट ने जजमेंट दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि सीबीआई फेल हो गई एविडेंस लाने में, तो अशोक चव्हाण जी को भी क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, आदर्श स्कैम में इन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब अगला आया फॉर्डर स्कैम, जिसका आज ही केस हियरिंग हुई है। इसमें लालू प्रसाद यादव को तो गिल्टी कर दिया, वो कॉन्विक्ट हो गए, लेकिन क्लीन चिट किसे मिली, जगन्नाथ मिश्रा को इसमें क्लीन चिट मिल गई। और जगन्नाथ मिश्रा कौन है, वो पहले कांग्रेस में थे, अब जेडीयू में है और उनका खुद का बेटा बीजेपी में है। अब तो जितने भी बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं सबको क्लीन चिट मिले जा रही है, क्या चांस की बात है। और अभी तो और भी है, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2-3 क्लीन चिट ही तो मिली है, लेकिन अब सुनिए जरा। योगी भाई साहब हमारे यूपी में 20,000 पॉलिटिशियंस को क्लीन चिट देने वाले हैं, 20,000 केसेस विड्रॉ करने वाले हैं। ये कहने के लिए तो कहते हैं ये कि भाई हम तो वो केसेस विड्रॉ कर रहे हैं जो पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पे ले गए हैं, लेकिन जब 20,000 केसेस को एक बारी में खत्म कर दिया जाएगा तो हमें कौन सा पता भाई साहब कि आपके उसमें कौन से केसेस किसके ऊपर लगे हैं, कौन से पॉलिटिशियंस के ऊपर लगे हैं। और वैसे भी आजकल बीजेपी कांग्रेस युक्त बनती जा रही है, कहने के लिए वो आए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन जितने भी कांग्रेस में करप्ट लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, वो उनकी पार्टी में ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है इनको एक बारी में रियलाइज हुआ होगा, देखो अब हमारी तरफ ज्यादा करप्ट लोग आ चुके हैं, अब इनके साथ कुछ तो करना पड़ेगा, इनको जेल में तो डाल नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी के लोग हैं, तो इन सबको क्लीन चिट दे देते हैं। तो यही हमारे योगी भाई साहब भी करने जा रहे हैं। और वैसे भी योगी जी के ऊपर खुद ही इतने केसेस चल रहे हैं, अब क्या पता वो खुद के केसेस को भी खत्म करेंगे या उनको भी रहने देंगे, हमें क्या पता इस बारे में। तो यहां पे फॉर्डर स्कैम, आदर्श स्कैम, 2G स्कैम, उत्तर प्रदेश के सारे करप्ट क्रिमिनल लोग, इन सबको आज इस क्रिसमस पे मिल गई है क्लीन चिट, सबको बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है। आप भी मजे उड़ाइए इस तोहफे के। अब धन्यवाद।